जी हाँ, ओमिक्रॉन वायरस की इंडिया में कन्फर्मेशन हो चुकी है एंड टिल नाउ 21 केसेस जो ओमिक्रॉन वायरस के हैं वो आ चुके हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं ओमिक्रॉन वायरस क्या है, ये कितना खतरनाक हो सकता है एंड इंटरनेशनल ट्रैवल पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो बच्चे जनवरी 22 इनटेक के लिए तैयारी कर रहे थे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कैनेडा यूके एंड अदर कंट्री में जाने के लिए, उनके फ्यूचर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। आई अंडरस्टैंड गाइज, ये कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद सिचुएशन नॉर्मल होना शुरू हुई थी एंड अगेन ओमिक्रॉन ने ये सिचुएशन होच पोच कर दी है। बट आपको न्यू जो न्यूज़ आती रहती हैं उसके साथ अपडेटेड रहना चाहिए, ताकि आपको जब भी मौका मिले तो आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाएँ। चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले जान लेते हैं ओमिक्रॉन वायरस है क्या। तो ये कोविड वायरस की ही न्यू म्यूटेटेड स्ट्रेन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है, बट WHO के इसके बारे में कोई अभी कन्फर्मेशन नहीं आई है कि ये कितनी जल्दी स्प्रेड करता है एंड ये कितना खतरनाक है। बट सभी कंट्रीज़ अपना जो प्रिकॉशन है वो ले रही हैं, ताकि कोई भी कंट्री लॉकडाउन में ना जाए। तो सभी ने साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को बैन कर दिया इसी वजह से, क्योंकि सबसे पहला जो केस है वो साउथ अफ्रीका में ही आया था 24 नवंबर को, उसके बाद ही ये सिचुएशन होच पोच होना शुरू हुई है। तो चलिए एक एक करके सभी कंट्रीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया ने इंटरनेशनल फ्लाइट को जो बैन है वो एक्सटेंड कर दिया। पहले वो 15 दिसंबर को खोलने के लिए बोल रहे थे, बट अब ये बैन एक्सटेंड कर दिया गया है एंड नेक्स्ट जो रीओपनिंग डेट है इंटरनेशनल फ्लाइट की वो जल्दी ही शेयर करेंगे, उनका ये कहना है। तो अगर मैं बात करूँ यूके की, तो यूके में भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन अगेन आ गई है। वहाँ पे आपको जाने से पहले भी नेगेटिव PCR रिपोर्ट चाहिए, उसके बाद आपको वहाँ जाके बिफोर एंड ऑफ सेकेंड डे PCR टेस्ट रिपोर्ट है वो करवानी पड़ेगी एंड आपको सेल्फ आइसोलेटेड रहना पड़ेगा जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती है। हालांकि होटल क्वारंटाइन रिक्वायर्ड नहीं है कि अगर आप ग्रीन एंड एम्बर कंट्री से जा रहे हैं, बट अगर आप रेड लिस्ट कंट्री से मूव कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली होटल क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा वहाँ पे। तो आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 1 दिसंबर को बोला था कि वो फ्लाइट्स को रीओपन करेंगे, बट उन्होंने अब ये बैन 15 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया है, उसके बाद ही वो कोई न्यू डेट देंगे। अगर ओमिक्रॉन वायरस बढ़ता है तो वो डेफिनेटली रीओपन नहीं करने वाले, तो क्योंकि आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया ने बहुत टाइम से बंद कर रखा था बिल्कुल ही इंटरनेशनल ट्रैवल। और ऐसे ही कनाडा US में भी अभी जो केसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वहाँ भी जो ट्रैवल बैन है वो लग जाएगा। तो गाइज, ये कुछ न्यूज़ है, हालांकि ये गुड न्यूज़ नहीं है, बट आपको इसके साथ में अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के साथ है, अकेले आपके लिए नहीं है।